आपको एक चीज दिखाऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मिलेगा मुझे ये. नाउ वी आर ऑल्सो अ प्राउड ओनर. काम के बीच में ना थोड़ा ध्यान रखो. तो आज बनेगी मिक्स दाल. तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 4-5 तरह के दाल. देखो सुभाष क्या लगा के बैठे हैं. फाइनली सुभाष को मिल गया है. अरे मतलब इतना, मतलब ऑक्सीमीटर मार्केट में इतना अवेलेबल है. मैंने कहा ले लो कोई भी, लेकिन सुभाष अड़ गए. कौन सा ब्यूअर बॉयर ब्यूरर मतलब ये चाहिए, टेक्नोलॉजी ये चाहिए तो ये चाहिए. सुभाष की आदत है एक्चुअली किसी चीज पर अड़ गए तो भैया वो चाहिए तो वही चाहिए. सो नाउ वी आर ऑल्सो अ प्राउड ओनर ऑफ नेसेसिटी जो अच्छी लाइफ की होगी ऑक्सीमीटर. जितने डोर मैट्स है ना वो डाल रही हूँ. डोर मैट्स भी धोना पड़ता है बीच बीच में, इतने गंदे हो जाते हैं. मेरा 99 है. अनन्या का कितना था? 96 पागल. सुभाष का मतलब कभी ऊपर कभी नीचे. तो इंसान ही अजूबा है तू. सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और सेफ हो. सो आलू को थोड़ा सा नमक और थोड़े से हल्दी के साथ मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ. सिंपलीफाई करेंगे इसको. सो दाल में डाला टमाटर और नमक. और जैसे ही ये हरी घास आनी चालू हुई वैसे ही हमारे यहाँ पे इस सफेद और काली भेड़े आनी भी चालू हुई. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. तो यहाँ पे धनिया पत्ते की चटनी भी बना दूंगी मैं. तो उसके लिए पुदीना, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा अदरक और लहसुन और नमक. अब इसका पेस्ट बना लेंगे. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. सज गई यहाँ पे हमारे लंच की थाली. यहाँ पे मिक्स दाल, ऑमलेट, चटनी, आलू फ्राई और सैलेड. दिखाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मिलेगा मुझे ये. वो है टना लीची. अरे पाइनएप्पल मैंने बताया था ना मेरा फेवरेट है, लीची उससे भी ऊपर है. मैं भूल गई लीची, क्योंकि लीची दिखता ही नहीं है साल में. आई थिंक कितना सुबह एक बार आता है ना, एक हफ्ते दो हफ्ते मैक्सिमम, मतलब पुणे में तो एटलीस्ट आई थिंक सो, बिकॉज मुझे शॉप्स में उतना ही दिखता है. तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे लीची खाने को मिलेगा लॉकडाउन के टाइम पे. दो दिन से आया हुआ था. फाइनली इसको हमने वॉश कर लिया और
कुछ अलग ही होता है लीची, बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है। आप बताना मुझे आपको ही पसंद है क्या? आई एम श्योर सबको पसंद होगा लीची, इतना स्वाद है लीची खाने में, उतना ही छीलने में। सुभाष नहीं खिलो खिलाओ, आज सुभाष भी इन्वॉल्व हो गए। इंटरेस्टिंग है, आई नो ये वाला बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कैसे एनिमल्स है जो हमको पता भी नहीं है। वो टाइगर लायन भी है, टाइगर आधा टाइगर और आधा लायन। ओके, सिंक प्लांट तुम्हारा सनबर्न किससे है? सनबर्न। अच्छा okay. मैं तुमसे बात नहीं करती क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि तुमको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ओके सुभाष देखा प्लांट से बात कर रही है वो, इसको एक दिन मैंने एक्चुअली बोला था कि प्लांट से बात करते हैं तो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। ये प्लांट को पता नहीं क्या हुआ, बाहर रखा था ना पूरा पीला पीला, पीला पीला हो गया। सो अनन्या सब प्लांट से आजकल बात कर करके ठीक कर रही है। मम्मा पुअर 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 प्लांट का जोक मारती है, अरे हमने तो इसको सनस्क्रीन नहीं लगाया है। अच्छा ये देखो कितनी छोटी सी क्यूट सी चिड़िया है, अनन्या लेके आई थी कहीं से। तो एवरीवन जज एंड मी डोंट वांट टू केयर अबाउट देम। सो ये है कुछ ग्रोसरी के सामान, वो हो गया है क्वारंटाइन तो मैं इधर रखने वाली थी, तो इससे पहले मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि आप लोग काफी बार पूछते हो ना। सो ये है रोस्टेड सेविया बैम्बिनो ब्रांड का, ये मूवी सुभाष देखिए हंसने लग जाएंगे। एक पैकेट मंगाया है इस बार, ऑलरेडी पड़े हुए हैं अंदर। यानी का पार्लर जी, पार्लर जी उसको बहुत पसंद है, उसके लिए ये है। न्यूट्री चॉइस जनरली हम ये वाला नहीं लेते, न्यूट्री चॉइस का वो रेड कलर का पैकेट आता है ना वो वाला लेती हूँ, लेकिन वो था नहीं तो मैंने ये ओट्स वाले मंगाए हैं इस बार। प्रिंगल्स अच्छा लगता है ना, बाहर का खाना तो पूरा बंद हो गया है, कभी कभी अच्छा लगता है। ये है सेविया, ये क्या बोल रही हूँ मैं, साबुदाना, पिस्ता, हैप्पी लोका, ये ऑर्गेनिक गुड़, हाँ चीनी की जगह मैं ये ऑर्गेनिक गुड़ यूज करती हूँ जो आप बोलते हो वो है। ब्रेड क्रम्स हैप्पी शेफ आजकल बहुत यूज हो रहा है मेरा। ये है वॉलनट, ये हमारी सोसाइटी में कोई करता है तो उसी से लिया है। ये ब्लैक पेपर पैकेट काट भी लिया है, ये ब्लैक पेपर है ऑर्गेनिक, मोस्टली मैं चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। नफीस फेवरेट टोस्ट, अगर आप पुणे में महाराष्ट्र में हो तो नफीस इज द बेस्ट टोस्ट, बाकी स्टेट का आई डोंट नो अवेलेबल है कि नहीं है, दिल्ली में तो नहीं है आई एम श्योर। और ये है आशीर्वाद आटा मल्टीग्रेन आटा, तो ये था मेरा छोटा सा ग्रोसरी हॉल। I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. सिर्फ एक सेकंड के लिए नजर हटाई और हो गया काम। दूध की सफाई ना सबसे गंदा काम लगता है मुझे, उसको पूरा साफ करना पड़ेगा। उसी टाइम अगर साफ ना करो ना तो सूख जाएगा और फिर उसके बाद और मुश्किल हो जाएगा साफ करना। मलाई भी खट्टी हो गई है, सो चलो घी बनाते हैं। फ्रेंड्स ये रही हमारी इवनिंग की चाय, आपने नहीं पी है तो आप भी बना के पी लो। चाय देख के होता है कि आपके साथ ऐसे बताना, मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे मैं चाय देती हूँ ले लो ना, वहाँ पे कटोरी में रखा है, जैसे मैं चाय देखती हूँ ना वैसे मेरा मन करता है कि मैं चाय पीऊँ फटाफट से। सो चलो चीयर्स। Something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish you could. साथ ही साथ जहाँ कचरा दिखे ना उसको निकाल लो तो फिर कचरा इकट्ठा नहीं होता है। I see. You say that beauty.
गर्म करके थोड़ा खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अनन्या कहाँ है? अनन्या हलवा। थोड़ी देर पहले ही सारे बुक्स सेट करवाए मैंने अनन्या से, फिर हाँ बुक्स। एडिटिंग करते करते ना टाइम का पता ही नहीं लगता है, डिनर बनाने का टाइम हो गया, चलो फटाफट डिनर बनाते हैं। तो यहाँ पे एग बॉईल हो रहा है और यहाँ पे मैंने तेल में जीरा और हींग डाल के प्याज फ्राई करने को रख दिया है। अनियन फ्राई हो रहे हैं, साइड में मैं थोड़ा बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा बेसन को भी रोस्ट कर लेंगे, इससे ग्रेवी ना थोड़ी अच्छी बनती है। अनियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। मसाला फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें मैं डालूंगी जो बॉइल्ड एग्स हैं वो। हाँ, मैं इनको फ्राई नहीं करती, आप में से काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि मैं अंडा फ्राई नहीं करती हूँ क्या, तो यस मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ, जैसे ही अच्छा लगता है। एक अंडे को ना मैं थोड़ा काट के डाल देती हूँ तो वो ग्रेवी में आता है, अच्छा लगता है। इसमें डाल देंगे हम पानी और फिर इसको कुक करेंगे कम से कम 10 मिनट तक। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा लास्ट में गार्निश करूंगी। ये देखिए ग्रेवी थिक सी हो गई है, बन गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको बंद करूंगी। सो डिनर इज रेडी। सो फ्रेंड्स, डिनर भी बन गया है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो रियली होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट पक्का करना मुझे, मेरे ब्लॉग से आप देख के मेरे थॉट्स वगैरह वो सब आपको पता लगता है, आपके बारे में मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू पता लगता है, और मुझे कमेंट्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। सो डू शेयर आपके व्यूज़ वगैरह कमेंट करके, एंड यस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना इन केस आपने अभी तक नहीं किया है और हमारे थोड़े से और फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो तो। सो मिलती हूँ मैं दोबारा आपको एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक यू ऑल टेक केयर एंड यू ऑल स्टे सेफ। बाय बाय।